साथियों नमस्कार, मैं निर्मल साहू शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला निनुआ विकास खंड दिल्दा जिला रायपुर से। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में पूरे जहां जहां स्कूल है कक्षा 8वीं और 9वीं संचालित हो रही है वहां पर निखार कार्यक्रम लागू किया गया है। निखार कार्यक्रम द ट्रांसफॉर्म ट्रस्ट दिल्ली के तकनीकी सहयोग से हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे शिक्षा सचिव महोदय ने इसे लाने का प्रयास किया है और इसके माध्यम से बच्चों के अधिगम स्तर को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। इसके उद्देश्य की हम बात करें तो निखार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षण को प्रभावी बनाना तथा राज्य के कक्षा 8 एवं 9 के विद्यार्थियों का अधिगम स्तर कक्षा अनुरूप एवं आयु अनुरूप लाने में मदद करना है। शिक्षकों का दक्षता संवर्धन, कक्षा में होने वाली प्रक्रियाओं में सुधार, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के समकक्ष स्तर पर सीखने के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को सीखने के स्तर में वृद्धि, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, निखार कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए समय सारणी तैयार की गई थी और उस आधार पर पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में यह जो कार्यक्रम है बहुत तेजी से चलाने के लिए जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया, कहीं कहीं पर अभी हो भी रहा है और उसके बाद सभी विषय जो विषय चयन किए गए हैं इसमें वो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। इन चारों विषयों में हमको काम करना है, कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में अभी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये आप देख रहे हैं शिक्षक मार्गदर्शिका में, आप देखेंगे यहां पर ये देखिए इस कार्यक्रम के शुरुआत में सबसे पहले बेसलाइन अध्ययन एवं समूह निर्धारण का कार्यक्रम होगा। यह 5 दिन तक चलेगा सभी विषय के लिए, जैसे बताया गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी। ये चारों विषय के लिए हम सबसे पहले अपने स्कूल की कक्षा 8 और 9 में बेसलाइन असेसमेंट करेंगे। उसके बाद जब हमारे बच्चों का स्तर तैयार हो जाएगा तत्पश्चात फाउंडेशन कैंप आयोजित किया जाएगा। यह फाउंडेशन कैंप 18 दिन तक चलेगा, प्रत्येक विषय को 1 घंटे का समय मिलेगा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान को, और कुल मिला के हमको 18 दिन में 72 घंटे समय बच्चों के साथ बिताना है। उसके बाद जो दूसरा चरण होगा वो सहयोगात्मक अधिगम चरण होगा, इसमें कुल मिला के 1 दिन में 2 घंटे 15 मिनट का समय हमको देना है और यह 45 दिन का कार्यक्रम तैयार किया गया है। कुल मिला के हमको 45 दिन में 101 घंटे 15 मिनट समय दिया जाना है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गणित, अंग्रेजी और विज्ञान ये तीनों विषय में हमको 45 दिन तक काम करना है। हिंदी विषय छूट जाएगा क्योंकि उसका काम गणित और विज्ञान में भी चलता रहेगा क्योंकि वो हिंदी में ही लिखा रहता है। साथ ही आप देखेंगे समापन कैंप होना है, इसके लिए 2 घंटे 15 मिनट प्रतिदिन देना है हमको तीनों विषय को। ये 6 दिन तक चलेगा और कुल मिला के हमको 13 घंटे 30 मिनट का समय देना है। इसके लिए सबसे पहले आधारभूत आकलन यानी बेसलाइन असेसमेंट होगा। शिक्षक द्वारा सर्वप्रथम विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का आकलन किया जाएगा। हो सकता है शिक्षकों को विद्यार्थियों के स्तर का काफी अनुमान हो, लेकिन यहां हमें यह अनुमान को और पुख्ता करने की आवश्यकता होगी। साथ ही यह स्तर जांच विद्यार्थियों के समूह बनाने में भी शिक्षक की भूमिका को और पुख्ता करेगी। इसके लिए विषयवार आकलन पेपर तैयार किए गए हैं जिसका आपको बच्चों को वितरण करके विषयवार उनका आकलन किया जाना है, जिनके आधार पर विद्यार्थियों के स्तर का आकलन किया जाएगा। स्तर जांच के बाद विद्यार्थियों को 4 स्तरों में विभाजित किया जाएगा। वो स्तर कौन कौन से होंगे देख रहे हैं आप। प्रारंभिक स्तर में वे विद्यार्थी होंगे जिनमें कक्षा 3 के कम स्तर की दक्षताएं होंगी। आपको यह बता दें कि जो प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा प्रत्येक विषय के लिए वो 20 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ज्यादातर रहेंगे उसमें, और बच्चों को उस प्रश्न को हल करने के लिए 2 से 3 घंटे का समय रहेगा। प्रश्न पत्र देने के बाद एग्जाम लेते समय हमको यह ध्यान रखना है कि बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि उनका हम किसी प्रकार के टेस्ट ले रहे हैं, बस खेल खेल में और बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हमको ये परीक्षा आयोजित करना है। जो बच्चे 20 नंबर में 16 से अधिक नंबर पाएंगे वो बच्चा उस स्तर को पार कर लिया है ऐसा माना जाएगा।
तो प्रारंभिक स्तर में विद्यार्थी होंगे जिनमें कक्षा 3 से कम स्तर की दक्षताएं होंगी, यानी जो कक्षा 3 के स्तर का जो पेपर रहेगा उसमें 16 से कम नंबर पाएगा वो बच्चा प्रारंभिक स्तर में होंगे। इसी प्रकार देखिए आप, पहला स्तर होगा जिनमें कक्षा 3 से ऊपर एवं कक्षा 5 से कम की दक्षताएं होंगी। दूसरा स्तर वह होगा जिसमें कक्षा 5 से ऊपर एवं कक्षा 8 से कम की दक्षताएं होंगी। तीसरे स्तर में वे विद्यार्थी होंगे जिनमें कक्षा 8 की दक्षताएं होंगी, और ऐसे विद्यार्थियों को हम अपने साथ इन्वॉल्व करके रखेंगे, उनको किसी प्रकार के काम दे के रखेंगे, क्योंकि हमको पहला स्तर का बच्चा, प्रारंभिक स्तर का बच्चा और दूसरा स्तर के बच्चे के साथ हमको काम करना है। जो बच्चा कक्षा 8वीं के अधिगम स्तर को प्राप्त कर चुका है उनके लिए हमारे पास एक निश्चित कार्य योजना होना बहुत जरूरी है। स्तर विभाजन के समय यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बच्चों का सहयोग किसी भी प्रकार से परीक्षा के समय ना किया जाए। यदि हम किसी भी प्रकार से बच्चे को एक दो प्रश्नों का आंसर बता देते हैं तो यह उसके स्तर आकलन में बाधा पहुंचाएगी और हम सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि उस समय कोई मदद ना करें। आपको मदद करने के लिए 18 दिन, 45 दिन और बाकी के 6 दिन भी आपको मिलेंगे। उस समय आप बच्चों का हेल्प करेंगे, नहीं तो बच्चों के साथ अन्याय होगा। जिस दिन स्तर आकलन का काम किया जाएगा उस दिन शिक्षक यह ध्यान रखेंगे कि आपके कक्षा में अधिकतम उपस्थिति हो। यदि कोई बच्चा नहीं आ पा रहा है तो उनके घर से बुलवा के लाया जाए और उनको वह पेपर दिया जाए। लेकिन किसी कारण से कोई बच्चा स्तर आकलन में नहीं बैठ पाता है, परीक्षा नहीं दे पाता है, तो उसके लिए फिर से परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। तब आप अपने अधिगम स्तर को जो आकलन उनके लिए बारे में पहले से अनुमान लगा के बैठे हैं उस अनुमान के आधार पर उसको किसी भी स्तर में डालने की स्वतंत्रता आपके पास होगी। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी विद्यालय में प्रारंभिक स्तर में कोई भी विद्यार्थी ना मिले या पहला स्तर में भी कोई भी विद्यार्थी ना मिले, तो ऐसे समय में हमको किसी प्रकार की दुविधा में नहीं पड़ना है, बल्कि जो निर्देश दिया जाएगा उसी अनुसार हमको फाउंडेशन कैंप आयोजित करना है, सहयोगात्मक अधिगम चरण आयोजित करना है, समापन कैंप आयोजित करना है। अब देखिए, स्तर आकलन हो जाने के बाद, समूह बन जाने के बाद सबसे पहला हमारा काम होगा फाउंडेशन कैंप, जो कि 18 दिन तक चलेगा। प्रत्येक विषय के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। कुल मिलाकर 18 दिन में आपको 72 घंटे देना है, यानी लगभग 3 सप्ताह। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। विद्यार्थियों के साथ काम का यह पहला चरण है। स्तर आकलन के आधार पर बनाए गए समूहों के साथ फाउंडेशन कैंप में 18 दिवस अर्थात 3 सप्ताह काम किया जाएगा। इसमें प्रतिदिन 4 घंटे तथा कुल 72 घंटे विद्यार्थियों के साथ काम करना होगा। इस चरण का मुख्य फोकस उन विद्यार्थियों के साथ काम करना होगा जो स्तर आकलन के दौरान दूसरे स्तर यानी कक्षा 5 को पास नहीं कर पाए हैं, यानी इसमें वो 3 स्तर को पास नहीं कर पाए वो बच्चे भी शामिल रहेंगे। इस चरण का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को कक्षा 5 तक की कुछ मूलभूत दक्षताओं को प्राप्त कर सके। चूंकि ये विद्यार्थी उम्र में बड़े होते हैं, इनके सीखने की गति तेज होती है, वह साथ ही इनके पास पहले से ही कुछ दक्षताएं और अनुभव होता है, इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि वे इतने कम समय में कक्षा 5 की कुछ मूलभूत दक्षताओं को सीख सकेंगे। फाउंडेशन कैंप में स्तर 1 एवं स्तर 2 के विद्यार्थी के साथ 4 विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान में काम किया जाएगा, जैसे कि पहले बताया गया। इसके बाद सहयोगात्मक अधिगम चरण शुरू होगा जो कि 45 दिन तक चलेगा। इन 45 दिनों में हमको क्या करना है, इसके लिए एक शिक्षक मार्गदर्शिका, जैसे कि गणित का दिख रहा है आपको, कक्षा 8वीं एवं 9वीं के विद्यार्थियों के अधिगम संवर्धन हेतु एक कार्यक्रम के तहत इस चरण में प्रतिदिन 2 घंटे 45 मिनट अर्थात कुल 101 घंटे एवं 15 मिनट विद्यार्थियों के साथ काम किया जाएगा।
इस चरण का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी स्तर 3 यानी कक्षा 8 तक की कुछ मूलभूत दक्षताओं को प्राप्त कर सके। इस चरण में विद्यार्थियों के साथ 3 विषयों गणित, अंग्रेजी और विज्ञान पर काम किया जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि शुरू में जो फाउंडेशन कैंप है उसमें हिंदी भी शामिल रहेगा, लेकिन सहयोगात्मक अधिगम चरण में हिंदी शामिल नहीं रहेगा। इसके बाद समापन कैंप आयोजित किया जाएगा। ये 6 दिन का कैंप होगा। इसमें प्रतिदिन 2 घंटे 15 मिनट अर्थात कुल 13 घंटे 30 मिनट विद्यार्थियों के साथ काम किया जाएगा। इस कैंप का आयोजन इसलिए किया जाता है कि विद्यार्थी कक्षा 9 के पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक को समझ कर उस पर काम करने के लिए तैयार हो सके। इस कैंप में उन दक्षताओं पर काम किया जाएगा जिन्हें विद्यार्थी फाउंडेशन और सहयोगात्मक अधिगम चरण में नहीं सीख पाए हों अथवा उन्हें पुख्ता करने की जरूरत हो। उन्हें कुछ अभ्यास आधारित काम भी इस चरण में दिए जाते हैं। इस प्रकार उन्हें कक्षा 9 के पाठ्य पुस्तक के साथ काम करने के लिए तैयार किया जाता है। इस कैंप में भी विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय पर काम किया जाएगा। अब देखते हैं फाउंडेशन कैंप में हमको करना क्या है। फाउंडेशन कैंप में देखिए ये गणित विषय के लिए दिया हुआ है। प्रत्येक दिन का कार्य योजना यहाँ पर दिया गया है। पहला दिन संख्याओं का जोड़ तोड़ हमको सिखाना है बच्चों को। दूसरा दिन संख्याओं के आपसी संबंध तथा संख्या के कितने मतलब ये सिखाना है। इसी प्रकार से पूरे 18 दिन का कार्य योजना यहाँ पर दिया हुआ है और इसी कार्य योजना के साथ साथ एक अभ्यास पुस्तिका बच्चों को दिया जाएगा जो कि आपको कराते रहना है। ये शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए पुस्तक तैयार किया गया है, वो आपको मिल चुकी होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ये देखिए 18 दिन 18 घंटे यानी एक विषय के लिए 18 घंटे आपको समय दिया जाएगा। इसी प्रकार सहयोगात्मक अधिगम चरण की सत्र योजना यहाँ पर दिया गया है। पहला दिन 10 ग्राम बताना है हमको, 10 ग्राम तथा संख्या पैटर्न ये दूसरे दिन बताना है हमको। इसी प्रकार पूरा 45 दिन का हमारे कार्य योजना जो है वो पुस्तक में दिया हुआ है जो कि आपको प्राप्त हो चुका होगा प्रशिक्षण के दौरान या आपके प्रधान पाठक को उपलब्ध करा दिया गया होगा। देखिए करीब 34 घंटे हमको एक विषय में काम करना है और सभी विषय यानी 3 विषय मिला के अंग्रेजी, गणित, विज्ञान मिला के हमको 101 घंटे 15 मिनट काम करना है सहयोगात्मक अधिगम चरण सत्र योजना में। तो ये थी मोटी मोटी बातें निखार कार्यक्रम के संबंध में। आप यदि और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नई नई जानकारी आप तक पहुंचे रहें। और जिस समय आप विद्यालय में काम करते रहेंगे बच्चों के साथ उस समय कोई समस्या आएगी तो उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम सब मिलकर आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।